अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। इंट्रो थोड़ा जल्दी जल्दी दे देती हूँ, वैसे भी अब मैं इंट्रो दे नहीं रही हूँ आजकल। तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से 23 सारी बहुत बहुत मुबारक हो। कन्फ्यूज हो जाती हूँ 22, 23, 24 में। तो गाइज एक लड़की ने मुझे अभी बोला कि अज़रा आप काम करती हैं और सब आपको कामचोर कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक वाहिद लड़की बच्ची हूँ अपने घर में, कुंवारी। तो ये सब लोग वैसे भी मुझसे काम कराते नहीं है, थोड़ा बहुत कर देती हूँ तो ऐसे ही करते कि हाँ मैं कर दूँ, इसीलिए बुराइयाँ करते ताकि मैं इनकी बातों में आके काम कर दूं। फिर भी मैं बहुत ढीठ हूं, करती नहीं हूँ। बाकी कल दरक्षा आप ही को एक लड़की मिली थी जामा मस्जिद पे, वो कसाबपुरे से थी, नाम था उनका उज्मा, जो कि मेरी बहुत बड़ी फैन थी। और उन्होंने बोला दरक्षा आप ही से कि मेरी उनसे बात करा दो और मेरा नाम अज़रापी ब्लॉग में ले लें। तो मैं आपका नाम ले रही हूँ उज्मा, थैंक यू सो मच, आपने दरक्षापी को भी इतना प्यार दिया, रास्ते में मिलके इतनी इज्जत दी। और मेरा फैन वैन हम लोग कुछ नहीं है यार, बस एक दूसरे को ऐसे ही आप लोग, हम लोग प्यार देते रहें या कुछ भी, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार बस ऐसे ही बनाए रखें आगे भी, अभी भी। तो बस अब सैरी करने के लिए बैठ गए सब लोग। जब से भाई मस्जिद गए हैं तो हम लोग देख सकते हैं आप एतकाफ में जो खाना बनता है वही हमें मिलता है, कितने मजे मजे के खाने। तमीम नंगू, ये देखो नंगू, एक दिन आएगा कि लोग तमीम को भी अफशा का बेटा समझने लगेंगे। देख लो अफशा ने आज भी कपड़े नहीं बदले, और तमीम के पास तो आज कपड़े नहीं है, नंगा बैठा हुआ है। लोग बहुत कुछ समझते हैं। तो मेरी बहन एक महक सिद्दीकी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने थोड़ा कम करा, थोड़ा ज्यादा कर दी। मेरा आदमी भाग गया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरा भागा। एक दिन इंशाल्लाह आप जैसे बोलने वाले का भी बहुत कुछ भाग सकता है। तो कमेंट करने से पहले अपने आप के अंदर झांक कर फिर बोला करो, ठीक है? इस मुबारक महीने में भी तुम किसी के ऐबों को या किसी भी चीज को देखते हो, तलाशते हो, सच को झूठ, झूठ को सच बनाते हो, फिर हंसते हो, तो हंसो थोड़ा ज्यादा, मुझे मजा नहीं आया। वो भाग गया। अच्छा, ये बहुत मजे का था। तो गाइज मैं आपको बता दूं एक बात कि मेरी बहन अफशा बहुत मुश्किल से व्लॉग्स वगैरह में आ रही है, बिकॉज वो उसको पसंद ही नहीं है। क्योंकि हमारे घर में मुझे और लायबा कोई शौक है वीडियोज वगैरह का, इन सारी चीजों का। अगर वो अब थोड़ा बहुत व्लॉग में आ रही है तो किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों कमेंट करना है आपको? अगर उसका हस्बैंड होगा भी या कहीं भी होगा तो आपने क्या करना है उसके हस्बैंड का? चार डालना है। बाकी बात कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं, तो सही तरीके से पूछो, हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे अपनी लाइफ की हर चीज की। लेकिन एक तरीका होता है ना पूछने का, तो आप प्यार से पूछो, बिना दांत फाड़े पूछो, तो मैं बहुत अच्छे से अफशे की एक पूरी जो स्टोरी है ना उसका व्लॉग बना दूंगी आपके। नहीं चलो हम दे देंगे, जान देंगे और गुस्से से पूछेगा तो हाँ, वो वाला। नहीं भाभी ना, सही बोला, सही बोला भाभी। आपसे लोगों को शिकायत है, तीन दिन से आप गुस्से में दिख रही हो, हंसती रहो। लिपस्टिक लगाई, शर्म नहीं आ रही? लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने, अज़रा ने टिंट लगाया मेरे। बहन आपकी आवाज कितनी प्यारी हो रही है, बीमारों वाली। तो वो बीमार है ना इसलिए। ये देखिए हम लोग खा रहे हैं। हाँ, तो गुस्से में किसी ने कमेंट करा लावा गुस्से में आजकल। हाँ, तीन दिन से लावा को गुस्सा आ जाता है ना। बाजी देखो इन्होंने मेरे साथ क्या करा, अपना सामान तो सही है, जैसे मैं लेने खड़ी हूँ तो चलो गर्मी लग रही है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। बाजी मेरे साथ चलिए, मैं दिला लूंगी तुझे। अब तो मैं लिया ही, अब तो बस कल अम्मी के साथ है जरा सा काम। नंगू आ जाओ भाई, सैरी कर लो। हाँ वो अभी रुको, मैं पहचान गई रेशमा, रवीना, नरगिस आपी सबको मेरा सलाम। लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, मैं पहचान जाती रवीना रेशमा के नाम से। और रेशमा को भी मेरा सलाम कहना, उसे पूछ लेना और उससे कहना वो कमेंट्स करे और अपना नंबर सेंड करे मुझे। और मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, और दुआओं में याद रखना। खारे पानी वाले चावल हमारी भाभी ने पानी छोड़ दिया, पानी ज्यादा ही कर दिया आज कुछ। कोई बात नहीं, चलो बता लावा। एक दफा पता नहीं क्या बात हुई थी, ये अब कुछ बात के लिए एक दफा के कहती है, अरे पप्पू का तो नाम ही बोले पप्पू तो होती नहीं। मैंने कहा था पप्पू माशाल्लाह से अज़रा आपी का दूसरे कुरान शरीफ का कौन सा सिपारा चल रहा है? अरे अल्लाह, अरे बहुत मारती है अल्लाह। गाइस पूरे बाल खेलती है मेरे। कौन सा सिपारा है बताओ तो मेरे को देख लूंगी। 20वां पढ़ने नहीं दे रही और बहुत बुरा मारूंगी, इतना बुरा मारूंगी लाल डाल दूंगी। अनस के आने से पहले लाइव बना रही है शिकंजी सोडे वाली। लाइव बताओ क्या क्या डाला तुमने? मैंने भी चीनी डाली है। कैसे एक बार और चीनी कैसे डालिए?
एक बार भाई से नीचे करो। चल ठीक है बता। मैंने इसमें चीनी डाली है, काला नमक डाला है। अच्छा। और मैं इसमें नींबू डालूंगी और ये मसाला डालूंगी आधा। ठीक है। और भुना हुआ जीरा भी डालूं। हाथ नंगे कर रखे हैं सुहागन। बात है आपकी। अरे वो सुबह एसी काम नहीं कर रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी भाई। एसी आपकी फूक चुकी होगी। अरे हमारी ये आपकी एसी मैंने अभी लगवाई है। नहीं हमारी सुबह हमारी एसी को मत कहना, लाइवा कुछ इसकी सर्विस करा के चला दिया तो आप करा दो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाजी बता रहा कितनी गर्मी थी ईमानदारी से। गाइस बाजी की तबीयत सही नहीं है, बेचारी पूरी रात तड़पी है दर्द में। मैंने तो नहीं देखा। कितनी बदतमीज हो यार। मैंने देखा ये लो भैया और बल्कि आज तो फैल के सोई उल्टा यूं। बहुत दर्द हो रहा है। अब शाही ईमानदारी कल कितनी देर दबाया मैंने तुम्हारे यहाँ? फिर लाइबा ने दबाया, आलिया ने दबाया। मैं कहाँ थी? तू सो रही? तू ऐसे कामों में होती नहीं हो बहन। मैं खेली बात रहा था। सॉरी सॉरी गाइस बहुत मारती है, बहुत मारती है। अपने अजाब को देख ले। ये गली में पहुंचे तमीम इसके बाप को मारता ही रहे। अपने हीरे को देख ले। इन्होंने नाम रखा है मेरे बेटे का हीरा बेटे। यार मुझे कुरान पढ़ने दो प्लीज। पढ़ लो ना मैडम, कुछ कह रहे हैं क्या आपसे? दिखा दो आपकी रफ्तार। तो गाइस लाइव अब सीरियस होके बता रही हूँ कि इतनी शिकंजी बनाई तो बनाई कैसे। हंस मत बहन बता दे। देखियो मैंने भाई इसमें ना चीनी डाली है ज्यादा सी, क्योंकि सोडे में ना चीनी नहीं होती, मीठा नहीं होता ना सोडा। अच्छा। और नींबू डालूंगी बहुत सारे और काला नमक डाला है और ये वाला मसाला डाला है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। गाइस ये मसाला तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा कुल 30 रुपए का। और थोड़ा सा ना जीरा भून के पीस के डालूंगी, उसके बाद ना मैं इसे छान लूंगी। सही है। और फिर बर्फ फूट के डाल दो, वो भी बारीक बारीक। और पुदीना तो लास्ट में डालेंगे ना इसे छानने के बाद। बस बस सकते हैं आप लोग। राफे ने अपनी पतंग का क्या हाल करा है? राफे पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इस पर। अगर किसी को मेरी यह पतंग मिले तो इसे जाफराबाद में दे जाना, किसी से भी यह पूछ लेना कि बिलाल और अनस भाई का घर कौन सा है। अच्छा। अगर नहीं दी लाकर तो तुम्हें 80 रुपए नहीं मिल पाएंगे। अब सोचो 80 रुपए का सवाल है, ठीक है? अच्छा ये जो पतंग दे के जाएगा उस वापसी उसको 80 रुपए मिलेंगे। और बात तो वो तो भागता हुआ आएगा राफे। सुन दे ही जाइए। ये गाइस ये भुनावा जीरा लिया है, लावा है जीरा और इसमें लगा हुआ है तो मैं थोड़ा सा ऐसे खोलूंगी। पेस्ट नहीं होना चाहिए गाइस। हमारा दस्तरखान लग गया है और कोई कह रहा था कि आपके दस्तरखान में पहली बार वाटरमेलन मिसिंग है, तो वो इसलिए कि हमारे भाई आपको पता है दोनों एतकाफ में बैठ गए हैं तो सामान ज़्यादातर वही सब लेकर आते हैं बाहर का, तो घर हम लोग तो जाते नहीं है नहीं, तो गली में से जो बच्चे अरे लिया वाइट आ रहा है ना इसलिए नहीं ले रहे, इतना बुरा ला रहे हैं बच्चे। भाई तो देख के लाते हैं भाई अच्छा वाला लाते हैं ना, वो ही हमें अच्छा लगता है। वो सुभान वगैरह अच्छा लाते हैं, आसिफ को तो खरीदना ही नहीं आता, वो पैसे बर्बाद ही करके आते हैं। इसलिए वाटरमेलन नहीं है, हम भी वाटरमेलन मिस कर रहे हैं। कल अब शवाजी जाएंगी हिम्मत करके लेकर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हमें खाना है वाटरमेलन। पक्षी हैं क्या? नहीं लो मौलाना शुरू हो चुकी है। हाँ पहले गली की खराज साफ करते हैं। अब हम दोबारा से खाने लगे हैं क्योंकि ना हमने सब उठा के रख दिया था उस टाइम पे, सब लोग सो गए थे। बचा कुचा खा रहे हैं गाइस। आ जाए आप भी खा लें। ये देखिएगा ये किसकी नकल करती है तू? इनकी ये किसी की फैन है, किसी की फैन है। मैं एक वो है चार किचन बहुत अच्छे हैं, मैं अभी भी वो करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आ जाओ सब लोग हमारे घर इफ्तार करने किसी दिन, आप सब लोग आ जाइए। अब दिनी कितने बच्चे? तो कोई बात नहीं, जितने ईद पे आ जाना सब लोग।
सच्ची में बुलाऊंगी। लाइक करो, फॉलो करो, सपोर्ट करो, शेयर करो बहुत सारा, और हमें जल्दी से येलो बटन, ब्लू बटन, गोल्डन बटन, सारे बटन दिला दो। सिल्वर मिला दो पहले, पहले सिल्वर दिला दो और दुआएं दो मेरे बहनों मेरे भाई। दावत है पक्की आपकी मेरी तरफ से, जामा मस्जिद पे दे दूंगी पूरे से कबाब वाले के, हम आ जाएंगे सारे बहन भाई मेरे। बहन भाई मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं किसी बात बुरी लगी थी, मैंने कहा मैंने तौबा कर ली, रमजान का महीना है, किसी की क्या गीबत बुराई है, दिल में कुछ रखने से इबादत भी कबूल नहीं होती, लेकिन किसी के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। मेरी बहनों पहले देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, तुम भी एक लड़की हो, क्या पता क्या सिचुएशन क्या रही हो या क्या बात है, अभी आपको कुछ नहीं पता ना, क्या पता वो जिंदा सलामत यहीं कहीं हो, मेरे पास हो या दूर हो, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए। क्या बोला उसने? उसने कमेंट्स किया है, ऐसा लगता है इसका हस्बैंड भाग गया और हंस रही है, मुझे गुस्सा आ गया वो पढ़कर, बस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, बस मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल में नहीं रखा। बहन सॉरी मेरी बात आपको बुरी लगे तो, लेकिन आइंदा किसी के लिए ऐसा कमेंट नहीं करना, आप भी एक लड़की हो, ठीक है बाबू? फिर आ गए, आ जाओ खा लो ये सब, चाय दिखाओ मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को। नंदू चाय, दादी तो शॉपिंग पे नहीं चल रही है, सुबह ही ऐसे खाते हैं इसको, कचरी को ऐसे दाल भर के। तो गाइस लाबा और अम्मी तो बाजार चली गई है इधर, ईशा के बाद नमाज पढ़ के कुरान सॉरी दुआएं पढ़ रही है ईशा की, बाकी उन्होंने अपना आधा सामान भेज दिया, पता नहीं क्या लेने गई है। मैं भी अभी सो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी यार आज भी, और मिर्जा इधर सो रही हैं, उठ गई देखो मेरे लाइट दिखाते ही। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर ही, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय।